हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, वीडियो का टॉपिक है ये जो हमारे कार स्टीरियो, हल्के फुल्के कार स्टीरियो आजकल आ रहे हैं, इनको रिपेयर कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, मेरे जो नए मैकेनिक दोस्त हैं उनके अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनको रिपेयर कैसे करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर टोटल जो कंपोनेंट है वो SMD के यूज किए गए हैं, यानी रेजिस्टेंस कंडेंसर वगैरह जो है इसके अंदर वो SMD के हैं। दूसरे इसके अंदर क्या है कि एक आपको पीछे छोटा सा बोर्ड मिलेगा, उसके अंदर एम्पलीफायर IC और पावर सप्लाई के अलावा कुछ नहीं है, एक छोटी सी पट्टी है, बाकी टोटल इसका जो कंपोनेंट है वो पैनल पर लगाए गए हैं, यानी कि इसकी डिस्प्ले IC, फंक्शन IC सब कुछ इसका पैनल पर है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसको ट्रेस कैसे करें, कहाँ कितनी सप्लाई आएगी, क्योंकि दोस्तों जब तक देखिए आपको ये मालूम नहीं होगा कहाँ कितनी सप्लाई आनी चाहिए तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आप रिपेयर नहीं कर पाते। और बहुत सारे मेरे जो नए मैकेनिक दोस्त हैं वो तो इसको वापस ही कर देते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं उन्हीं दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बताऊँगा इसको स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे रिपेयर करना है और कैसे ट्रेस करना है। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद में हम इसको सप्लाई देंगे। तो देखिए, इसको मैंने ओपन कर लिया है, अब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं। ये देखिए, ये प्लस के वोल्ट लगा दिए और ये माइनस। ठीक है दोस्तों, अब बैटरी ये मैंने प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिए। अब मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में रख करके हम इसको ट्रेस करेंगे, वोल्ट कार्ड तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। ये देखिए, ये मैंने निगेटिव लगा लिया और ये B+ आ गए, ये B+ के वोल्ट हमारे, और ये VCC ये भी आ गए। दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं कि इसके अंदर 2 वोल्ट आते हैं, ACC और B+, यानी B+ से हमारी रेड वायर कनेक्ट होती है और AC से येलो वाली वायर कनेक्ट होती है। दोनों वोल्ट सेट के अंदर आने चाहिए तभी ये ऑपरेट होगा। ये देखिए, ये B+ आ गए और ये VCC आ गई। अब ये हमारी जो यहाँ पे लगी है, ये लगी है हमारी एम्पलीफायर IC। ठीक है दोस्तों, एम्पलीफायर IC का नंबर है इसका 7388। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, इस साइड से पिन नंबर 1 ग्राउंड और पिन नंबर 2 स्टैंड बाई, ये दो लेयर में इस, यानी दो लाइनों में इसकी पिनें होती है, आगे और पीछे में। पीछे वाले पिनों की बात कर रहा हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कहाँ। और ये पिन नंबर 3, इस पर हमारे डायरेक्ट वोल्ट आएंगे बैटरी के। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसी साइड से पहले वाली पिन होगी ग्राउंड और दूसरे वाली पिन आपकी म्यूट पिन होगी, और तीसरे नंबर की जो पिन होगी हमारी, उससे भी डायरेक्ट बैटरी के वोल्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इस IC की दो पिनों पर बैटरी की सप्लाई आनी है, और एक पिन आपकी हो गई स्टैंड बाई। जैसे ही हम पैनल से स्टैंड बाई का बटन दबाएंगे तो स्टैंड बाई के वोल्ट आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम बैटरी की वायर लगाते हैं तो पैनल के अंदर रीडिंग आपको नज़र आएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो सप्लाई हमारी इस बोर्ड से बनेगी वो हमारे पैनल को सप्लाई नहीं जा रही है, रीडिंग नहीं दिखाई दे रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, जाँचेंगे क्या इस पैनल में वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब कुछ सेटों में 2 वोल्ट जाते हैं इसके अंदर, यानी 8 और 5, कुछ के अंदर 5 और 12 जाते हैं। तो मेरे इस पैनल के अंदर जो गए हुए हैं वोल्ट, वो 5 और 12 गए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट अहम है इस कार्ड के लिए, यानी पैनल के लिए। तो सबसे पहले हम जाँचते हैं 5 वोल्ट, क्योंकि 5 वोल्ट के आते ही आपको पैनल के अंदर रीडिंग नज़र आ जाती है। अब देखिए, इसके अंदर ये एक स्टेप डाउन रेगुलेटर 5 वोल्ट का लगा हुआ है, 7805 जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली। अब हम जांच करेंगे कि इस पे वोल्ट आए या नहीं आए, इसने आउट किए या नहीं किए। तो देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये वाली पिन हमारी इनपुट पिन है, ये देखिए इनपुट पिन पर वोल्ट ही नहीं आए, यानी हमारे 7805 को 12 वोल्ट ही प्राप्त नहीं हुए, तो ये 5 वोल्ट हमारे पैनल को नहीं गए। तो देख, हम ये देखेंगे कि 5 वोल्ट की जो IC लगी है इस पे, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, मुझे साफ नज़र आ गई है कि हमारे 7805 को जो सप्लाई आती है 12 वोल्ट, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस होती है, ये जली हुई है। ठीक है दोस्तों,
मैं इसको देखता हूँ, ये देखिए इस साइड वोल्ट हैं, यानी 12 वोल्ट हैं लेकिन ये आउट नहीं कर रही है, तो हमारी रेजिस्टेंस जली हुई ख़राब है। अब हम ये रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस इसमें टोटली SMD की लगी हुई है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें 0.1 ओम की रेजिस्टेंस का यूज़ करना है। अगर आपको SMD मिल जाए तो SMD लगा लेना, अन्यथा आप नॉर्मली रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। आपको जितना इसके अंदर वर्क करना है, काम करना है, पावर सप्लाई हटा करके करना है, सिर्फ वोल्ट चेक करते वक्त आपको पावर सप्लाई लगानी है, इस बात का ध्यान रखना। और ये जो हमारे SMD कंपोनेंट होते हैं, इनको बड़ी सावधानी से आपको हटाना है, क्योंकि SMD के कंपोनेंट हैं, एक दूसरे से में ना जुड़ जाए। ये देखिए मैंने एक नॉर्मली रेजिस्टेंस ले ली है 0.1 ओम की, मैं इसी को कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे नए मैकेनिक दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आएँ, और मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है, उनको देखें और फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मेरे नए मैकेनिक दोस्तों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है मेरे चैनल पर। तो जो नया मैकेनिक दोस्त है मेरे और नए नए मैकेनिक है, वो इंटरेस्ट रखते हैं इस काम में, तो मेरे चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो आएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लिए। आपका आयरन कम हीट ना हो और ओवर हीट भी ना हो, मीडियम हीट होना चाहिए, तो आपकी सोल्डिंग भी अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसमें बैटरी को इन करता हूँ, मैंने बैटरी लगा दी। ये देखिए आपको नज़र आ गई होगी रीडिंग, मैंने कहा था जैसे ही आपके पैनल के अंदर 5 वोल्ट आएंगे आपकी रीडिंग आ जाएगी, लेकिन यहाँ LED ग्लो तब करेगी जब आप इसको स्टैंड बाय से निकालेंगे। ये स्टैंड बाय का हमारा बटन है। अब मैं आपको वोल्ट एक बार इसके दिखाता हूँ, जिससे आपको अच्छे समझ आएगा और आप आसानी से कर लेंगे, यानी सर्किट आप चाहे आपका चाहे जिस तरह का हो, लेकिन वर्क उसको इसी तरह करना है। ये देखिए ये स्टैंड बाय वोल्ट है हमारे, नहीं आए, और ये हमारे म्यूट वोल्ट है, ये भी नहीं है। देखिए अब जैसे ही हम इसको स्टैंड बाय से निकालेंगे, लाइट भी ग्लो करेगी और हमारे म्यूट और स्टैंड बाय के वोल्ट भी आ जाएंगे। देखिए स्टैंड बाय से निकाला, लाइट ग्लो कर गई, आपको रीडिंग में नज़र आ गई। अब देखिए ये हमारे स्टैंड बाय के वोल्ट आ गए, स्टैंड बाय के वोल्ट 5 वोल्ट तक आएंगे। मेरे मीटर में थोड़ा लोचा है, इसकी बैटरी वीक है, इसलिए ये 1 से 1.5 वोल्ट फालतू दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए हमारे स्टैंड बाय वोल्ट हो गए, और ये हमारी B+, और ये हमारी म्यूट वोल्ट। अब मैं इसके अंदर आपको स्पीकर लगा के दिखाता हूँ, इसकी आवाज़ दिखाता हूँ, ये चला के नहीं चला है। मैं स्पीकर सॉकेट इसके अंदर लगा देता हूँ। एक बात का और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस सेट के अंदर 4 स्पीकर होते हैं, चारों स्पीकरों की वायर अलग अलग होती है, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक वाइट, एक वॉयलेट या पिंक कैसी भी हो सकती है, यानी आपको एक कलर में एक ही स्पीकर लगाना है। ये नहीं करना एक वायर आपने हरी में लगा दी, ग्रीन में लगा दी और एक नीली में लगा दी, तो ऐसा करने से आपको साउंड अच्छी नहीं आएगी और आपकी IC भी ख़राब हो सकती है। देखिए आपको साइन सुनाई दे रही होगी, साइन इसलिए क्योंकि FM पर है। अभी हम इसका मोड चेंज करेंगे और इसे ब्लूटूथ पर लगाएंगे। ये देखिए ये इसके अंदर मोड की है, ये मैंने इसे ब्लूटूथ पर लगा दिया। अब अपने मोबाइल से हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम ब्लूटूथ को ऑन करेंगे और इसे सर्च करने देंगे, और जो हमारे सेट का कोड है ये देखिए, आते ही आप उसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये कनेक्ट हो गया, सक्सेसफुली कनेक्ट आ जाएगा लिखा हुआ। अब आप इसको मिनिमाइज कर दें, और जहाँ भी आपका सॉन्ग या जो आप चीज़ चलाना चाहते हैं वो है, आप उसको प्ले करें, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।